नमस्कार दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में राहु सता रहा है और आपके जिंदगी में राहु ने हमेशा भूचाल मचा रखा है तो उस राहु को शांत करने का आसान सा तरीका है भगवान शिव की आराधना करना। यदि आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो आपकी कुंडली से राहु दोष दूर हो सकता है। कहा जाता है कि राहु भगवान शिव का बहुत ज्यादा परम भक्त है और वह भगवान शिव की आराधना करता रहता है। उसने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत सालों तक आराधनाएं की हैं। इसलिए कहा जाता है यदि आप राहु को शांत करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप भगवान शिव की आराधना करें। सोमवार का व्रत सबसे ज्यादा खास माना जाता है। हम सभी को पता है कि भगवान शिव का सोमवार का व्रत माना जाता है। जो लड़कियां कुंवारी होती हैं वह अच्छा पति या फिर भगवान शिव जैसा पति मिले उसके लिए वह सोमवार के व्रत रखती हैं। यदि आपके गली में राहु की परेशानी है तो आप सोमवार को व्रत रख सकते हैं और सोमवार के व्रत को रखने के साथ साथ आप भगवान शिव की आराधना करना बिल्कुल ना भूलें। भगवान शिव की आराधना के साथ साथ आप ओम नमः शिवाय का जप करते रहें, क्योंकि यह ऐसा मंत्र, यदि आप इस मंत्र को बोलते रहते हैं या फिर पूजा करने के दौरान पर इस मंत्र को जपते रहते हैं तो ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा रहती है और आपके द्वारा किया जाने वाला वह व्रत बहुत ज़्यादा सफल माना जाता है। आपने अक्सर देखा भी है कि भगवान शिव की पूजा करने के लिए सबसे ज़्यादा खास दिन सोमवार माना जाता है। भगवान राम भी भगवान शिव के बहुत ज़्यादा परम भक्त हैं। उन्होंने भी यह उनकी पूजा की है, उनकी आराधना की है। यदि आप राहु की शांति चाहते हैं तो भगवान राम का भी स्मरण कर सकते हैं। हो सके तो आप भगवान शिव की शिव पुराण भी पढ़ सकते हैं। शिव पुराण पढ़ने से भी आपकी राहु या फिर आपकी कुंडली में जो भी दोष हैं वह भी शांत हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा महादशा दिखाते हैं सूर्य, चंद्र और मंगल। इनके द्वारा दिया जाने वाला कष्ट कुछ ज़्यादा ही कष्टदायक होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको जो भी कष्ट मिल रहे हैं इसका जल्दी से निजात हो जाए तो आप प्रतिदिन नित्य नित्य नहाकर बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव को दूध अभिषेक करें और ऐसा करने से आपके जितने भी ग्रह हैं वह शांत हो जाएंगे और आपकी महादशा भी दूर हो जाएगी। तो यह है वह आसान से तरीके। यदि आपको राहु सता रहा है तो भगवान शिव की आराधना कीजिए तो वह आराधना करने से आपके राहु या फिर आपकी कुंडली में जो भी दोष हैं वह सभी शांत हो जाएंगे। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।